नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज की जो जानकारी है वो एक अभी एक भर्ती के लिए, यानी कि एक भर्ती को रीओपन किया गया है उसके लिए जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये भर्ती किस चीज़ की है? ये है RSMSSB स्टेनोग्राफर भर्ती नोटिफिकेशन, यानी राजस्थान स्टेनोग्राफर की भर्ती। ये 2018 से की आपकी भर्ती लटकी हुई थी, इसका फाइनली अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है विद एग्जाम डेट, यानी साथ में आपकी एग्जाम डेट भी बता दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, यानी मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती की ऑनलाइन अप्लीकेशन कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है इसकी, राजस्थान स्टेनोग्राफर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी सैलरी क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो कि आपके मन में क्या है डाउट पैदा कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो ये जानकारी किसके बारे में है? ये जानकारी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जल्द ही क्या है 1211 पदों पर राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 फॉर 1211 RSMSSB करवाने जा रहा है। यह भर्ती जल्दी शुरू की जाएगी। यह भर्ती अलग अलग विभागों में की जाएगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 तक भरे जाएंगे। राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन इससे पहले भी जारी किया जा चुका है, लेकिन उसमें EWS आरक्षण लागू होने के कारण इस भर्ती को क्या स्थगित कर दिया गया था। अब एक बार फिर राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 ऑनलाइन के ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे, यानी पहले ये भर्ती आ चुकी है लेकिन अब इसको रीओपन किया गया है, तो इसके फॉर्म जल्दी अभी शुरू हो जाएंगे। तारीख आपको बता दी इसमें, तो नए अभ्यर्थी इस भर्ती में फॉर्म भर सकेंगे। पहले राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 1085 पदों पर आई थी, लेकिन अब इसमें 14% पद बढ़ाए जाएंगे, साथ ही अन्य रिक्त पदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यह भर्ती कुल 1211 पदों पर की जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब बात करते हैं इसकी शॉर्ट डिटेल के बारे में, इसकी हाईलाइट्स के बारे में, RSMSSB स्टेनोग्राफर भर्ती डिटेल के बारे में। तो डिपार्टमेंट का नाम क्या है? राजस्थान सबऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी आपको पता ही है। पोस्ट का नाम आपका स्टेनोग्राफर है। टोटल वैकेंसी आपकी 1211 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है। अप्लीकेशन स्टार्ट होगी 26 अगस्त से 24 सितंबर तक के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी क्या होगी? राजस्थान होगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास के कंप्यूटर का डिप्लोमा ना होना चाहिए, जो CCC बोलते हो। अगर आपके पास वो डिप्लोमा तो भी चलेगा, अगर आपके पास बेसिक डिप्लोमा है तो भी चलेगा। अब बात करते हैं इसकी आयु सीमा के बारे में, यानी राजस्थान स्टेनोग्राफ रिक्वायरमेंट 2020 एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें, तो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी की उम्र है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सीगर लिपिक पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजन 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और अतिरिक्त छूट दी गई है, और आरक्षित वर्गों को क्या इसमें अलग से छूट दी गई है। इसमें क्या 3 साल की अलग से आपको छूट मिलेगी, क्योंकि ये 3 साल से भर्ती आपकी अटकी हुई थी। अब बात करते हैं आपका जो RSMSSB स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 का जो एग्जाम फी होगी, यानी अप्लीकेशन फी, वो क्या होगी? जनरल EWS क्रिमिलेयर कैटेगरी के लिए आपकी 2500 रुपये होगी। OBC MBC के लिए 350 रुपये हैं। SC ST और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये हैं। तो ये आपकी अप्लीकेशन फीस होगी, और आपको इस फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन मोड से करना होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में, उसका पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको 2 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले बात करते हैं अभी इसके बारे में, आपकी जो डेट है यानी इंपोर्टेंट डेट क्या क्या है इसके बारे में, यानी जो राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती है इसकी इंपोर्टेंट डेट क्या क्या है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 26 अगस्त से हो रहे हैं, लास्ट डेट आपकी 24 सितंबर है, और एग्जाम डेट आपकी 21 मार्च है, यानी RSMSSSB की, यानी जो आपकी राजस्थान स्टेनोग्राफर की भर्ती है उसकी एग्जाम डेट है वो क्या है, 21 मार्च 2021 को आपका एग्जाम होना तय हुआ है की बार। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज फर्स्ट की। तो फेज फर्स्ट में आपसे क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जनरल नॉलेज का होगा और जनरल साइंस का होगा। इसमें से 100 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। फिर पार्ट सेकंड होगा जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होगा,
और इसमें क्या है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का टाइम आपको क्या है इसमें दिया जाएगा। तो 200 क्वेश्चन होंगे आपके पास और आपको क्या 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं फेस सेकंड के बारे में, तो फेस सेकंड के बारे में क्या क्या होगा आपका, टाइपिंग टेस्ट होता है इसमें। पार्ट वन में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, 100 अटेम्प्ट आपका 100 नंबर का, 10 क्या है मिनट होंगे आपके पास। फिर आपका होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश, इसमें आपके पास 60 मिनट होंगे। पार्ट टू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, पार्ट टू में क्या आपको हिंदी टाइपिंग होगा 100 अटेम्प्ट, इसमें आपके 100 नंबर का 10 मिनट में। फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी में होगा 70 मिनट में, आपको क्या ये टाइम दिया जाएगा आपको। अब बात करते हैं इसके बारे में यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में और क्या क्या बातें हैं। RSMSSB स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 का सिलेबस सेकेंडरी परीक्षा स्तर का होगा। परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। फेज फर्स्ट के समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। सभी विद्यार्थियों को फेज फर्स्ट की परीक्षा में न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक करना अनिवार्य होंगे। आरक्षित वर्गों को 5% तक छूट दी जा सकती है। फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में प्राप्त अंकों की गणना के आधार पर अंतिम योग्यता कर क्या है मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लिखित परीक्षा में क्या है 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं राजस्थान स्टेनोग्राफर का सिलेबस क्या है आपका टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले बात आती है हिंदी की, हिंदी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपर्यायक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, इसके अलावा वाक्य शुद्धि आ जाएगी आपकी, वाच्य क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के परिभाषिक यानी शब्दों के समानार्थक शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी रूपांतरण, और फिर होगा कार्यपत्रों से संबंधित ज्ञान थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। इसके बाद आपका होगा इंग्लिश का, इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, इसमें आपसे टेंस होंगे, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसके बाद आपका यूज ऑफ आर्टिकल, डिटरमिनेंट एंड प्रीपोजिशंस, फिर ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, इसके बाद होगा आपका कोरेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कनेक्टिव एंड वर्ड रॉन्गली यूज, इसके बाद होगा ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद आपकी क्या होगी देयर हिंदी वर्जन, इसके बाद होगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, परफिक्स एंड सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज ऑफ ऑफिशियल एंड डेमी ऑफिशियल लेटर्स, सर्कुलर नोटिस एंड टेंडर्स के बारे में। फिर आपका क्या होगा राजस्थान जीके का, तो राजस्थान जीके का क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान का इतिहास हो गया, सांस्कृतिक विरासत हो गया, भूगोल भारतीय विश्व का, इसके बाद भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, इसके बाद अगर बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इतिहास, भारतीय विश्व का आएगा इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान का भूगोल, भारत के बारे में, राजस्थान नीति और भारतीय राजनीतियों शासन, इसके बाद जनरल साइंस की में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, जनरल साइंस में पूछा जाएगा आपसे नेचर ऑफ यूनिवर्स, जनरल साइंटिफिक लॉज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, नेशनल साइंटिफिक लेबोरेटरीज, मैकेनिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके बाद आपका फिजिकल क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड एंड यूनिट्स, फोर्स, मोशन एंड एनर्जी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हीट, लाइट एंड साउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, एसिड, बेस एंड साल्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंस्टीसाइड, फिर आपका मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइंस, तो ये आपकी जनरल साइंस से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, रिसेप्शनेशन, ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, हेल्थ एंड हाइजीन, इसके बाद आपका ह्यूमन डिजाइजेज, एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन लाइफ आदि के बारे में आपसे क्या साइंस जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका क्या होगा इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, यानी जो आपका फेज सेकंड होगा इसमें डिटेल वाइज अगर बात करें तो इसमें अंग्रेजी या सुलिपि परीक्षण होगा। परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट के श्रुतिलेख का होगा, 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद होगा दिए गए श्रुतिलेख का लेखांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकण, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। ये सभी चीज़ें की आपकी 100 नंबर की होगी। फिर आपकी हिंदी आसुलिपि परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट श्रुतिलेख का होगा, 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। फिर पार्ट सेकंड में चल रहा आपका, तो इसमें दिए गए श्रुतिलेख लेखांश का कंप्यूटर पर हिंदी में प्रतिलेखन और टंकण, इसमें आपको 70 मिनट दिए जाएंगे।
तो ये आपका फेस सेकंड का सिलेबस होगा, यानी आपको कोई लेख दे दिया जाएगा उसके बारे में आपसे लिखवाया जाएगा। अब बात करते हैं इसका पे स्केल, यानी राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती का जो पे स्केल है वो पे मैट्रिक लेवल आपका 10 लागू होगा। इसमें आपकी अच्छी सैलरी होगी, अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भरे। तो ये तो थी एक छोटी जानकारी राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 के बारे में। आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आपको बेल आइकन इसको प्रेस करना ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो क्लास ज्वाइन कर सको। तो आज की इस जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।